हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो देखिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है। अब टेस्ट मैच के बाद 3 ओडीआई भी खेली जाएगी, लेकिन इससे पहले हमारे पास, आप सबको पता ही होगा कि जो 18 सदस्य टीम का ऐलान भी हो चुका है, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, केएल राहुल को मौका मिला है क्योंकि रोहित शर्मा चोटिल है, और वहीं उप कप्तान के रूप में जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। इसमें ऐसा लगता है कि ये कहीं एक चेतावनी तो नहीं ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर भी थे लाइन में, जिनको कप्तानी मिल सकती थी, लेकिन इनको नहीं दिया गया, उनके जगह जसप्रीत बुमराह को दिया गया। इस डिसीजन ने, बीसीसीआई के इस डिसीजन ने सबको हैरान कर दिया है। सब कोई हैरानी में चले गए हैं कि जसप्रीत बुमराह आखिर उप कप्तान क्यों। यही इस बीच आपको रोहित शर्मा की अपडेट भी बता देते हैं। रोहित शर्मा लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी से गुजर रहे थे, इस वजह से वो टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं हो पाए। वहीं ओडीआई की बात करें तो वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए। वो टेस्ट में, उनके जो फिटनेस टेस्ट है उसमें भी वो पास नहीं हो पाए, इस वजह से बीसीसीआई ने उनको आराम करने का मौका दिया है, बोला कि उनको आराम की ज़रूरत है। इस वजह से अब केएल राहुल कप्तान के रूप में ओडीआई में दिखेंगे और वहीं उप कप्तान के रूप में जसप्रीत बुमराह। अब देखिए, यहाँ पर बात ये आ जा रही है कि जसप्रीत बुमराह के उप कप्तान बनने से ये कहीं श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के लिए चेतावनी तो नहीं। देखिए, क्योंकि अब जब जसप्रीत बुमराह उप कप्तान के रूप में उतर रहे हैं ओडीआई में, तो अब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को अपने परफॉर्मेंस से साबित करना होगा कि वो केपेबल है। तीनों के तीनों फॉर्मेट में उनको बेहतर प्रदर्शन करना उनका जरूरी है। देखिए, तभी जाके बात आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि देखिए ये दोनों थे, फिर भी अगर बात करें उप कप्तान की, तो बुमराह को कप्तानी दी गई, बुमराह को उप कप्तानी दी गई। और अब देखिए, अब बातें ये चल रही है कि ये सिर्फ इस फॉर्मेट के लिए, ओडीआई मैच के लिए बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है। बुमराह की प्रदर्शन की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं वो, और इस वजह से बीसीसीआई उन पर भरोसा दिखाई है। वहीं श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की बात करें तो दोनों ही दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे वे में उन्होंने टीम को लीड किया है। और श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस तो आप जानते ही होंगे, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है वो। और वहीं ऋषभ पंत की हालिया परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रही है। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने इस सीजन में 419 रन बनाया है उन्होंने। तो इस वजह से देखिए, इससे पता चल रहा है कि दोनों ही बहुत बेहतरीन फॉर्म में, और यही बात है कि इन दोनों को, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को, तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन दिखाना है। तीनों ही फॉर्मेट में इनको कंसिस्टेंटली अच्छे फॉर्म में रहना है। तो देखिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियोज़ पसंद आता हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को याद से प्रेस कर दें।